नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हर छठ व्रत कथा के बारे में, जिसे हल छठ एवं हल षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे हल षष्ठी व्रत के नियम, क्या खाएँ क्या नहीं खाएँ, संपूर्ण विधि एवं व्रत कथा और इस दिन क्यों मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 9 अगस्त को हल छठ व्रत, संतान की लंबी आयु के लिए इस विधि से करें पूजा। दोस्तों हल छठ पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है तथा मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व को हर छठ के अलावा कुछ पूर्वी उत्तर भारत में ललई छठ के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग जी ने बलराम के अवतार में जन्म लिया था। यह पूजन सभी पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घायु के लिए, उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं प्रति पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी या चीनी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा अर्चना के बाद पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। फिर शाम के समय पूजा आरती के बाद फलाहार लिया जाता है। इस व्रत को करने से व्रती को धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी होती है। छोटी कांटेदार झाड़ी की एक शाखा, पलाश की एक शाखा और नारी जो कि एक प्रकार की लता होती है कि एक शाखा को भूमि किसी मिट्टी भरे गमले में गाड़ कर पूजन किया जाता है। महिलाएं पड़िया वाली भैंस के दूध से बने दही, महुआ, सूखे फूल को पलाश के पत्तों पर खाकर व्रत का समापन करती हैं। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित है। इस दिन इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व साग भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियों के विशेष तौर पर करना चाहिए। हर छठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसई के चावल और महुए का पारण करने की मान्यता है। भैंस का बच्चा वाले भैंस का ही दूध पी सकते हैं। इस व्रत की विशेषताएं और महत्व। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन महुए की दतून करना बहुत शुभ माना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। हर छठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को कुछ खाना चाहिए। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो सर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें इसी तरीके से तो आप उस वीडियो से वंचित ना रहें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एवं हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए।